नमस्कार, हम सेवा अधिकारी यदुवंशी दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आज विश्व कुष्ठ रोग दिवस नेपाल में सेहो विभिन्न कार्यक्रम का मनाई रहा। प्रत्येक वर्ष 3,000 से बेसी रोगी थपा रहा सरकारी तथ्यांक। काठमांडू में सेहो बर्ड फ्लू देखल गेल। पशु सेवा विभाग द्वारा पुष्टि। मांस नीक से बनाब कर खाए चिकित्सक सबक सुझाव। कपिल वस्तु के उई किसान सब घाटा में उईख बेच लेल बाध्य। चीनी मिल सब सरकार द्वारा निर्धारण मूल से 36 रुपया कम दिला बाद समस्या। नया दिल्ली के 3 क्षेत्र में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद। सार्वजनिक सुरक्षा के लिए सेवा बंद कर पड़ल भारत सरकार के स्पष्टोक्ति। इटालियन सीरी ए फुटबॉल में लीग लीडर एसी मिलान के शीर्षता कायमी। मिलान द्वारा बोलगना 2-1 से हारल। आप पूरा समाचार। आई 68वां विश्व कुष्ठरोग दिवस नेपाल में सेहो विविध कार्यक्रम को मनाई रहा। कुष्ठ रोगी संग भेदभाव नहीं करू, कुष्ठ रोगी के माय करू, कुष्ठ रोगी प्रति होबय वाला भेदभाव अंत करू कही जय नारा लिखल प्ले कार्ड लक रैली प्रदर्शन सेहो कैल गेल। कुष्ठरोग के विरुद्ध सर्वसाधारण में जनचेतना जगवा के उद्देश्य से देश के ग्रामीण क्षेत्र में सेहो रैली तथा अन्य कार्यक्रम सबके आयोजन कैल जा रहा है। नेपाल से सन 2010 में कुष्ठरोग निवारण भेल घोषणा कैल गेल बादो हरेक वर्ष 3,000 से बेसी नव रोगी थपा रहा सरकारी तथ्यांक रहा। नेपाल में एखन धरि 18,500 बेसी कुष्ठरोग पूर्ण रूप में ठीक भ चुकल। 30,000 से बेसी व्यक्ति कुष्ठरोग से अपांग भेल। चमड़ी या नस में लागे वाला कुष्ठरोग लेप्रवा कई कीटाणु के कारण लागत। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केन्द्र के विभाजन से प्रदेश में सेहो नेता सब दू किता में विभाजित भ चुकल। प्रदेश में सरकार परिवर्तन हेबाक वा नहीं हेबाक चर्चा भ रहल समय प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस एखनो धरि असमंजसता कायमे रखने। बागमती प्रदेश आ प्रदेश एक में मुख्यमंत्री विरुद्ध प्रस्तुत कैल गेल अविश्वास प्रस्ताव के लक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस एखनो धरि अनिर्णित। प्रस्ताव के पक्ष में रहल जाए या विपक्ष में एहि संबंध में आ निर्णय प्रक्रिया के विषय में पार्टी भीतर एक मत नहीं भ सकल। प्रदेश एक के मुख्यमंत्री शेरधन राय मंत्री पद से बर्खास्त केने दिन निवर्तमान आंतरिक मामला तथा योजना मंत्री इंद्र आंगबो प्रस्तावक बनकर राय विरुद्ध प्रदेश सभा में अविश्वास प्रस्ताव दर्ता करौने छला। बागमती प्रदेश में सेहो अष्टलक्ष्मी शाक्य के मुख्यमंत्री के प्रस्ताव का अविश्वास प्रस्ताव दर्ता केने छला। नेकपाक दुनू समूह के कांग्रेस के समर्थन भेला पर मात्र पुरान समीकरण समाप्त होयत आ नवका सरकार गठन भ सकैत अछि। प्रदेश एक के मुख्यमंत्री राय सार्वजनिक के रूप में कांग्रेस अपना समर्थन करबाक अभिव्यक्ति दैत आबि रहल छथि, मुदा कांग्रेस नेता सब ओली पक्षधर के समर्थन नहीं कऽ सकबाक बता रहल छथि। कांग्रेस प्रतिनिधि सभा विघटन जेहन असंवैधानिक कदम के विरोध में संघर्ष शुरू कऽ चुकलाक कारण एहि के प्रतिपक्ष में रह वाला समूह संगे मात्र सहकार्य करबाक संकेत देने अछि। हामीले त प्रधानमंत्री को संसद विघटनको विरुद्ध संघर्ष कर रहा छौं, त्यो पक्ष नभएर अरु कुनै पक्षलाई त्यो पनि सरकार नभइसकन बाहिर बसेर सरकार निर्माण गर्न आवश्यकता पर्यो भने सहयोग गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ, तर अहिले हामी कसैतिर सहभागी हुनु उपयुक्त हुँदैन। प्रतिगमनक विरोध करबाक आ दोसर दिस प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीक समूह के सहयोग क सरकार में जेबाक बात कांग्रेस नहीं कह सकैत अछि। नेता गगन थापा कहब छन्, निर्वाचन को उन्हीं को प्रक्रिया में चाहे उन्ले राखे प्रस्ताव में चाहे हमें भाग लिखन, यदि अविश्वास को प्रस्ताव राख् पर्ने भाई तो हमी अपने एजेंडा में चाहे प्रस्ताव राख् सकते राख् सकता, तर उन्हीं को प्रस्ताव को पक्ष विपक्ष भर नेपाली कांग्रेस ने आपूला प्रस्तुत कर सकते। अहिले पहिला अविश्वास को प्रस्ताव जो आगे तेज को पक्ष में मतदान करने अस पच्छी के करने हमी आप नेतृत्व में सरकार बनाने कि पार्टी ने अपने अनुकूलता हे सकेसम्म हामी त आफ्नो नेतृत्व बनाउन खोज्छौँ होला, सके बनाउँछौँ नसके अरूलाई मद्दत गर्छौँ वा बाहिर बस्छौँ, तर अहिलेको लागि भने दुईवटा कारणले, एउटा हामी माथि प्रधानमन्त्रीसँगको असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा लडिरहेको हुनाले गर्दा पनि उहाँलाई साथ दिने मुख्यमन्त्रीहरूको विरुद्धमा, अर्को स्वाभाविक रूपमा हामी त्यहाँभित्रको प्रतिपक्ष भएको हुनाले गर्दाखेरि पनि यो बेलामा विश्वास गुमाएको सरकारलाई जसले हिजो जुन मत प्राप्त गर्यो त्यसले विश्वास गुमाएपछि हामी त्यसको विपक्षमा उभिन्छौँ।
सभापति शेरबहादुर देउवा सम्भवतः दुनुटा प्रदेशमे असम्भव नै भेल त बागमती प्रदेशमे मुख्यमन्त्री पद कांग्रेसके देबा परबाक पक्षमे छथि। दुनू प्रदेशमे सरकारके नेतृत्व दावी करबाक विषयमे विवाद नै रहलाक बावजूदो रामचन्द्र पौडेल पक्ष नेकपाक ओली पक्षसँगे मिलनाइ उचित नै होयत बताबैत आयल अछि। अपने समूह किछु नेतासभ प्रतिनिधि सभा विघटन करबाक पक्षसँगे सहकार्य कयलापर नकारात्मक सन्देश देबाक बतौलाक बाद देउवा अन्तिममे मात्र निर्णय लेबाक रणनीति अंगीकार कयलनि अछि। काठमांडू सँ कमला हमाल के रिपोर्ट। काठमांडू के तारकेश्वर नगरपालिका में पालल टर्की हाँस में बर्ड फ्लू प्रमाणित भेल बाद पशु सेवा विभाग ओहिके लेल सतर्कता अपनाब आग्रह कयने अछि। केन्द्रीय पशु पंछी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला में कयल गेल रियल टाइम PCR परीक्षण में बर्ड फ्लू रहल प्रमाणित भेल अछि। बर्ड फ्लू पुष्टि भेला बाद उक्त फार्म में तथा आसपास में रहल 1856 हाँस 622 बटई 32 मुर्गा 25 टर्की संगे 542 अंडा 75 KG दाना नष्ट कयल गेल विभाग द्वारा प्रेस विज्ञप्ति में उल्लेख कयल गेल अछि। रोग अन्य स्थान में नहीं फैले कहिक बर्ड फ्लू देखल गेल क्षेत्र में रहल सब घर पालुआ चारा सुरुंगी तथा रोग सारा सकबाक अन्य वस्तु के नष्ट कयल गेल विभाग जानकारी देने अछि। रोग देखा पड़ल क्षेत्र के निसंक्रमण कयल जा चुकल सेहो विभाग जनतब देने अछि। विभाग द्वारा नेपाल में बर्ड फ्लू के जोखिम के ध्यान दक रोकथाम तथा नियंत्रण संबद्ध निकाय सबके सतर्क अवस्थामें राखल गेल सेहो जानकारी देने छ। बर्ड फ्लू चारा चुरुङ्गी सँ आदमी धेर सरवाला सरुआ रोग रहला सँ विशेष सतर्कता अपनाब जरूरी देखल जाइत अछि। चारा चुरुङ्गी के मांस खेला सँ बर्ड फ्लू भाइरस सर सकबाक जोखिम हेबाक भेला सँ नीक सँ भुजि कऽ मात्रै खेनाई नीक रहबाक चिकित्सक सब आग्रह सेहो कयने छ। मैथिली समाचारमे छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाकी समाचार। वन तथा वातावरण मंत्री प्रेम बहादुर आले देश के काठ निर्यात करके अवस्था में पहुँचाबक लेल वैज्ञानिक वन कार्यविधि खारिज कयल गेल बतौने छ। नेपाल फर्नीचर तथा फर्निसिंग संघ के 21 वार्षिक साधारण सभा में मंत्री आले वार्षिक 10,12,000,000,000 रुपया बराबर के काठ आयात कर पड़वाक अवस्था के अंत्य कह काठ निर्यात करके अवस्था में पहुँच लेल वैज्ञानिक वन कार्यविधि खारिज कयल गेल बतौने छ। देश के 21,755 सामुदायिक वन आ सरकारी वन सँ कुना कह काठ निकालल जा सकैत अछि आ काठ निर्यात कऽ सकबाक कहिक संबंध में स्पष्ट नीति निर्माण करय लागल सेहो मंत्री आले जानकारी देने छ। पहिने सामुदायिक वन सँ 5,000 क्यूफिट काठ निकाल पेबाक व्यवस्था रहल मुदा आब बनवला वन नियमावली मार्फत गिरल सुखल अवस्था में बिगड़ल बाइट भूस्खलन दहौने काठ सब एकटा सामुदायिक वन सँ वार्षिक 50,000 क्यूफिट निकाल सकबाक व्यवस्था करय लागल सेहो बतौने छ। अहि सँ वार्षिक करीब 5 करोड़ क्यूफिट काठ निकाल सकबाक सेहो मंत्री आले बतौने छ। पढा सुक्खा खडा ऐसा बिग्रेका बाढी पहिरोबाट चाहिँ बगाएर ल्याएका त्यस्ता काठहरू 5,000 मात्रै नभएर यदि कुनै सामुदायिक वनमा काम नलाग्ने काठ ढला पडा छ सुकेका छ हाँगा भाँचेका छन् त्यस्ता काठहरू छ भने त्यो 50,000 क्युफिट भए पनि त्यो निकाल्न पाउने भनेर मैले छलफल चलाइराखेको छु। वन क्षेत्र सँ काठ उत्पादन भेला बाद देश के काठ में आत्मनिर्भर मात्र नै भक निर्यात करबाक स्थिति में पहुँचाब अपने प्रतिबद्ध रहल मंत्री आले बताने छ। नेपाल में कोरोना के सक्रिय संक्रमित की संख्या 3,000 सँ कम भेल छ। नया संक्रमण पुष्टि होला के संख्या में कमी हिनाई आ ठीक होला के संख्या बढ़ लगले सक्रिय संक्रमित के संख्या घटल छ। हाल नेपाल में 2,779 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देने छ। सक्रिय संक्रमित में से 144 गोटे ICU और 25 गोटे के भेन्टिलेटर में इलाज भ रहल छ। पिछला 24 घंटा में 350 गोटे ठीक भेल लगले कोरोना संक्रमण मुक्त होला की संख्या 2,66,048 पहुँचल स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देने छ। तैयार पिछला 24 घंटा में 109 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छ। 3,618 गोटे के PCR परीक्षण करैत समय 109 गोटे में संक्रमण के पुष्टि भेल छ। इस संगे नेपाल में कुल संक्रमित के संख्या 2,70,854 पहुँचल छ। तैना थप 2 गोटे के मृत्यु भेल लगले कोरोना से मृत्यु होला के संख्या 2,027 पहुँचल मंत्रालय के तथ्यांक में उल्लेख रहल छ। अब आर्थिक समाचार।
कपिलवस्तुकै उही किसान सब घाटामी उही बेचुलेल बाध्य बनलैछ। कपिलवस्तुकै किसान सब नवलपरासीकै लुम्बनी चिनी मिलकै कम मोलमै उही बेचुलेल बाध्य बनलैछ। कपिलवस्तुकै सब सबैको महालक्ष्मी सुगर्स लिमिटेड जवाबहारी स सर्लाही स्थानान्तरण किसान सब एखन थप पीडामै पडलैछ। नेपाल सरकार तयकै नै मोल प्रति क्विन्टल 536 रहला बादो एखन किसान सब 500 मात्रै भेट रहलैछ। जाइमी उइक मिलकी खरीद मूल प्रति क्विंटल 471 सरकार देने प्रति क्विंटल 65 रुपया रहलैछ। मुदा लुम्बनी चिनी मिल उइक मूल प्रति क्विंटल 435 आ सरकार अनुदान 65 कक कुल जम्मा 500 रुपया में खरीद कर रहलैछ। एना कक किसान के प्रति क्विंटल 36 रुपया घाटा भरलैछ। ढुवानी महंग पड़ला से एखन किसान सब प्रति क्विंटल 500 मात्र देने लुम्बनी चिनी मिल सुनबल जानकारी देने। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। आप खेलकुद समाचार। इटालियन सीरी फुटबल में लीग लीडर एसी मिलान बोलगना के पराजित कने छ। सोइन दिन रात भेल खेल में मिलान बोलोगना के 2-1 गोल अंतर से पराजित कने छ। बोलोगना के मैदान में 2600 मिनट में एंट्री रेबिक गोल करेत मिलान के अग्रता दियोन छल। जाल्टन इब्राहिम बीच के पेनाल्टी बोलोगना के गोलकीपर रोकला बाद रिवांड बॉल में ओ गोल कने छला। खेल के 55 मिनट में फ्रान केसी पेनाल्टी में गोल करेत टोली के 2-0 के अग्रता दियोलत। खेल के 81 मिनट में बोलोगना के आंद्रे पेली पोली एक गोल घुमौला बाद मिलान 2-1 से विजय भेल छल। जितु संगे मिलान 20 खेल में 46 अंक जोड़ने से बोलगना 20 अंक जोड़कर 13 स्थान में रहें। दूसर खेल में इंटर मिलान बेनवेंटो के 4-0 से हराने छल। इंटर के लिए रोमालो लुका को 2 गोल केने छला। रिकार्डो लाउटारो मार्टिनेज़ एक गोल करने सलाह। जीत संघे इंटर 20 खेल में 44 अंक जोड़ने से इंटर दूसरे स्थान में रहें। बेनवेंटो 22 अंक जोड़कर 12 स्थान में रहें। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फिर से एक बार। विश्व कुष्ठ रोग दिवस नेपाल में सेहो विभिन्न कार्यक्रम को मनाई रहल। प्रत्येक वर्ष 3000 से बेसी रोगी थपा रहल सरकारी तथ्यांक। काठमांडू में सेहो बर्ड फ्लू देखल गेल। पशु सेवा विभाग द्वारा पुष्टि। मांस के नीक से बनाए कर खेल चिकित्सक सबक सुझाव। कपिलवस्तु के उही किसान सब घाटा में उही बेचो लेल बाध्य। चीनी मिल सब सरकार द्वारा निर्धारण मूल से 36 रुपया कम देला बाद किसान सब थप समस्या में। नया दिल्ली के 3 क्षेत्र में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद। सार्वजनिक सुरक्षा के लिए सेवा बंद करा पड़ल भारत सरकार के स्पष्टोक्ति। इटालियन सीरी ए फुटबॉल में लीग लीडर एसी मिलान की शीर्षता कायमी। मिलान द्वारा बोलगना 2-1 से हारल। एखनुक लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर हमरा सबके वेबसाइट janatasamachar.com में सेहो पढ़ देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमरा सब प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथ धो भीड़ भाड़ से अलग घर में सुरक्षित रहू और परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।